कुणाल जी दोनों फिल्म करना था ये रहीना है फिल्म हम लोग इसको थ्रू आउट जो है हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में शूट करने वाले इसके और ये शिवाय है इसको हम लोग झांसी में शूट करेंगे और मनाली एक्चुअली हम लोग उसका वेट कर रहे थे कि उसका कुछ पोर्शन है शिवाय का जो स्नोफॉल में शूट होगा उसके 13-14 सीन्स ऐसे हैं जो स्नोफॉल में शूट करना है तो उसका वेट कर रहे हैं और ये दोनों जो फिल्म होगी एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊँगा आपको कुछ कुछ मैं देखता हूँ फेसबुक पे लोग जो हैं लिखते रहते हैं कि जैसे कोई हीरो होते हैं ना जैसे मैं कलाकार हूँ वैसे भी लोग हैं लिखते हैं ना कि अरे मेरी ये फिल्म भोजपुरी की सबसे मेगा बजट या बड़े बजट की फिल्म भोजपुरी की सबसे बड़े बजट की फिल्म हाँ लेकिन मैं सच बता रहा हूँ पहली बार बोल रहा हूँ आपको कि आपने रोटी का ट्रेलर देखा और जिस दिन शिवाय आएगी या जिस दिन हिना आएगी उस दिन आपको लगेगा कि सच जैसे ये क्या होता है हिना का रोल कौन कर रहा है हिना का मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक्टिंग करनी है तो लड़का और लड़की दोनों वाला काम नहीं करूँ तो उससे क्या होता है ना आपको थोड़ा सा स्पेस मिल पा रही है कोई उसमें हिना का रोल कर बिल्कुल 100% इस बार फीमेल बना जा सकता हूँ जो लोग ज़्यादा गुणी होते हैं ना जिनमें बहुत ज़्यादा कला होती है वो कुछ भी कर सकते हैं वो जो कला है वो बियॉन्ड लिमिटेशंस बाउंड्रीज के बाहर की चीज़ें होती हैं अगर आप सक्षम हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर आपने पूछा बोला रोटी मूवी 2 घंटे 54 मिनट की है जी तो इसमें गाने कितने हैं सर गाने 6 गाने और मेरा मैं ये भी आपको बताऊं जैसे आपने ये सवाल किया तो कुछ ऐसा आप लोग करिए आप लोग मीडिया से कुछ ऐसा करिए मैं तो चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्म ऐसी बने जो 2 घंटा 54 मिनट की हो और गाना सिर्फ एक हो तो उसमें क्या होगा ना कि आपको कंटेंट ज्यादा प्रॉपर वे में उसको दिखाने का एग्जीक्यूट करने का आपने बोला ना कि संगीत के आधार पर मूवी ओस्कार में जाती है इसकी उसके बारे में मैंने पूछा कि गाने कितने हैं आपने बोला इस वही बजट बात पे मैं आगे बढ़ा जी जी 2 घंटा 54 मिनट की फिल्म है और शायद 2 घंटा 54 मिनट की इसलिए है क्योंकि ये स्टार्ट की और इनका जो रेट है हमारे वीडियो पे जाएगा तो 3 घंटा पार हो जाएगा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं सर आपने दो बोला प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट